لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك کی صدائیں بلند مناسک کے حج کا آغاز आजमीन मीना पहुंचना शुरू हो गए। गर्मी के बाईस रात को ही बेशतर आजमीन को बसों के जरिए मीना पहुंचा दिया गया। दीगर की मीना रवानगी का अमल आज जारी रहेगा। मीना में खैमा बस्ती आबाद आजमीन आज का दिन मीना में गुजारेंगे, जिसके बाद रुकन आजम की अदायगी के लिए मैदान अरफात जाएंगे। रुकन आजम वकूफ़ अरफा 15 जून हफ्ते को होगा। हज के दौरान सिक्योरिटी सख्त, 23,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकार फराइज अंजाम देंगे। मीना मुजदलफा और मैदान अरफात में 3 फील्ड अस्पताल कायम, मुख्तलिफ मकामात पर डिस्पेंसरियां भी बनाई गयी। सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज के एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर भी खदमात अंजाम देंगे। हुकूमत आइंदा माली साल का 3,000 अरब से ज्यादा हजम का बजट आज पेश करेगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से ज्यादा रखे जाने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक बजट में 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स शामिल की जाएंगी। सेहत के जारी मंसूबों के लिए 18 अरब, तालीम के शोबे में जारी मंसूबों के लिए 32 अरब रुपए से ज़ायद रकम रखने की तजवीज़। सैलाब से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। की तारीख का सबसे बड़ा 5,446 अरब रुपए का बजट पेश। आमदन का तखमीना 4,643 अरब रुपए मुतवक्के। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा। कोई नया टैक्स लगा ना बढ़ा। तरक्याती मंसूबों के लिए 842 अरब रुपए मुख्तस। कम से कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए मुकर्रर। लैपटॉप स्कीम के लिए 10, सोशल प्रोटेक्शन के लिए 130, किसानों को बिला सूद कर्जों के लिए 75 अरब रुपए मुख्त। 100 यूनिट्स वाले बिजली सार्फीन के लिए मुफ्त सोलर सिस्टम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के रिटेलर्स और होल सेलर्स पर जुलाई से टैक्स लगेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ऐलान, कहा तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। टैक्स लैब में रदोबदल मुमकिन है। डब्बे के दूध को अशराफिया की गजा करार दिया, कहा जिसकी कुव्वत खरीद है वही लेता है। पेट्रोल और डीजल पर लिवी का फैसला, आलमी मार्केट में कीमतें देखकर करेंगे। GST 18 से 19% कर नहीं कर रहे। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कई वजारतें बंद करने का ऐलान। IMF से जुलाई में स्टाफ लेवल मुआयदा होने का इम्कान। मिनी बजट के सवाल पर बरहम हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। सराय के मुताबिक वज़ीर आज़म बजट पर बात करेंगे। हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट का रोड मैप भी देंगे। मरी की तरक्याती मंसूबों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। मरी में नेशनल यूनिवर्सिटी बनेगी। पंजाब में स्मॉग के खात्मे के लिए 10 अरब। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब। 5 अरब बड़े शहरों में माहौल दोस्त बसों के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। खेलों की सहूलियात और ग्राउंड के लिए 13.5 अरब रुपए तजवीज़। राशि में दूध महंगा, बहुत महंगा। दूध की सरकारी कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा। अब 1 लीटर दूध 220 रुपए का मिलेगा। जिला इंतजामिया ने डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के साथ मुजाकरात के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने कहा 4 माह बाद दूध की कीमत का दोबारा तायुन होगा। दूध की ज़र मुबादला के जखायर में 17 करोड़ डॉलर के करीब इजाफा। ज़र मुबादला के मजमूई जखायर 14 अरब 38 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। ज़र मुबादला के सरकारी जखायर 9 अरब 10 करोड़ 33 लाख डॉलर और कमर्शियल बैंकों के जखायर 5 अरब 28 करोड़ 5 लाख डॉलर। सबक चेयरमैन PTI के साइफर केस में बरियत का फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के जरिए अपीलें दायर कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी की बरियत भी चैलेंज। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, फैसला कल अदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं दिया गया। निर्याला सिंध ने कहा स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर जराइम के पीछे मनशियात माफिया का अहम किरदार है। सेफ सिटी का पहला मरहला शुरू हो चुका है। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंट्रोल सख्त करने की हिदायत। पुलिस मोबाइल में ट्रैकर्स लगाने का हुक्म। कोयटा के इलाके जिना टाउन में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जामहक। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार हो गए।